जाहिर तौर पर छात्रों में गुस्सा है, रोष है इस बात को लेकर कि पुलिस ने उन पर कार्रवाई की जबकि उनका कोई दोष नहीं था। जिन छात्रों ने उपद्रव मचाया वो जामिया के नहीं थे, वो बाहर से आए लोग थे और यही वर्जन वो लगातार दे रहे हैं। उनका कहना है कि ये देखिए, अलीगढ़ में भी कल देर रात इस तरह की कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई, वहां पर वाहन तोड़े गए, उन पर लाठी डंडे चलाए गए और अलीगढ़ में भी इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। यूनिवर्सिटी के आसपास छात्रों में डर है, लेकिन ये कल की तस्वीर देखिए, 15 दिसंबर रात की, जब जामिया में जब हालात बिगड़ गए उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी कुछ उसी तरह के हालात दिखाई दिए। हालांकि उतनी ज्यादा वहां पर हिंसा नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस की कार्रवाई वहां पर दिखाई दे रही थी। शिवेंद्र सिंह हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ एएमयू से जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, इस वक्त क्या ताजा तस्वीर है, क्या स्थिति है वहां पर? पुनीत हमारे संवाददाता लगातार जामिया से हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत, ये बताइए कि जिस तरह से हमने जामिया के हालात देखे वहां पर वर्जन अलग अलग है। स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि बार बार जो है उनको उकसाया गया, उन्हें कहा गया कि जिस तरह से वहां पर प्रदर्शन चल रहा है, वहां पर धरना दिया जा रहा है, वो ठीक नहीं है, लेकिन बाहर से लोग वहां पर आए थे, उन्होंने ये उपद्रव किया है जबकि छात्रों ने इसमें बिल्कुल हिस्सा नहीं लिया। इस वर्जन को हम कहां तक माने? देखिए, इस पूरे मामले में जांच की बात कही जा रही है। जो आप कह रही हैं, इसमें जेएनयू प्रशासन ने कहा था कि जो भी प्रोटेस्ट हुआ है, हिंसक हुआ था, उसमें जेएनयू के स्टूडेंट नहीं है, जामिया के स्टूडेंट नहीं है। दूसरी तरफ पुलिस का यह कहना था कि हमें नहीं पता कि उसमें कौन है, ये जांच का विषय। उन्होंने कहा कि कुछ लोकलाइट्स भी थे, वो लोग इस पूरे मामले में प्रदर्शन में जुड़ गए थे और हिंसक हुए थे। जाँच इस पूरे मामले में कही गई है। जो दिल्ली कमीशन है माइनॉरिटी का, उसने कहा है कि सोमवार शाम तक इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस जांच रिपोर्ट सौंपे उनको, अगर नहीं सौंपती है तो कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। यानी जांच के अलग अलग तरीके की जांच की बात सामने आ रही है। दूसरी तरफ आपको एक अहम जानकारी देना चाहूंगा कि मथुरा रोड की तरफ से कालिंदी कुंज जाने वाला जो रास्ता है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने उसको बंद कर दिया है और एडवाइस किया कि जो लोग नोएडा से इस तरफ आ रहे हैं वो लोग डीएनडी की तरफ से जाएं। यानी कि प्रोटेस्ट के मद्देनजर जो मथुरा रोड से कालिंदी कुंज की तरफ का इलाका है, सड़क है, उसको, यानी कि 13A रोड नंबर 13A जिसे बोला जाता है, उसको फिलहाल बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ तस्वीर यहां पर है, देखिए किस तरीके से लोग अपना सामान लेकर के जो स्टूडेंट हैं वो जामिया से फिलहाल अपने घर या महफूज जगह दूसरी जगह जा रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस जो अंदर घुसी थी वो तोड़फोड़ किया, उन्होंने मारपीट किया और ऐसे में यहां पर महफूज वो लोग नहीं है, कोई बड़ा हादसा ना हो, इसीलिए सुबह होते के साथ ही जैसे ही अंधेरा छटा स्टूडेंट्स अपने अपने रिश्तेदार या फिर घरों की तरफ सामान लेकर के कूच कर रहे हैं। फिलहाल यहां पर दिल्ली सरकार ने जामिया और आसपास के इलाके में सोमवार में जितने भी सरकारी और प्राइवेट स्कूल हैं उनको बंद कर दिया है और अपील की जा रही है कि किसी भी तरीके की अफवाह ना फैलाएं। दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने कल कहा था कि इलाके में दुकानें बंद नहीं रहनी चाहिए, वो चाहते हैं कि जनजीवन सामान्य तौर पर हो और यही हो रहा है। फिलहाल आवागमन इस इलाके में जारी जरूर है, लेकिन अभी भी जामिया के बाहर स्टूडेंट्स खड़े हैं और कुछ जो अभिभावक हैं वो भी अपने बच्चों को लेने आए हैं इस डर से कि कहीं उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए। नेहा, नजर बनाए रखिए, स्टूडेंट्स वहां पर इस वक्त अपने अपने घरों की ओर पलायन कर रहे हैं। ये कहना है उनका कि उनके माँ बाप उनके लिए परेशान हैं, फोन कर रहे हैं, ऐसे में अगर 5 जनवरी तक छुट्टी घोषित कर दी गई है तो वो अपने अपने घर जा रहे हैं। कुछ छात्रों से हमारे संवाददाता ने बात की, सुनिए। जामिया में के इलाके में कल हुई हिंसा के बाद से यूनिवर्सिटी में 5 जनवरी तक के लिए छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। मैं जहां पर हूं, ये जामिया के तमाम सारे गेट हैं और पीछे इन तस्वीरों में छात्र जो हैं, आप लोग वापस जा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं। और ये देखिए पीछे जो तमाम सारे छात्र आ रहे हैं, ये ज़्यादातर विश्वविद्यालय के छात्र हैं और छुट्टियों की घोषणा होते ही अब लोगों ने निकलना शुरू कर दिया प्रांगण से। देखिए आप पीछे जो देख पा रहे हैं, ये तमाम आगे चुकी जो लड़कियों का हॉस्टल है और वहाँ से ये छात्र निकल करके अपने अपने घरों की ओर जाने की शुरुआत कर चुके हैं। कल यहाँ जो हिंसा हुई, पुलिस ने लाठी चार्ज की, आंसू गैस के गोले भी दागे, छात्र नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के जब सड़कों पर जो हिंसा हुई, जामिया की ओर से कहा गया कि जो उपद्रवी थे वो हमारे छात्र नहीं थे, बाहर के लोग थे। पुलिस के ऊपर आरोप है कि वो विश्वविद्यालय के अंदर घुस गई, वहाँ पर जा करके आंसू गैस के गोले छोड़े गए और इन आरोपों के बीच में
छुट्टियों की घोषणा विश्वविद्यालय की ओर से की गई है। आप लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं? हाँ। छुट्टियाँ 5 जनवरी तक की गई है, जा रहे हैं आप लोग? हाँ। कल की जो जो हिंसा हुई उसके बाद फैमिलीज वगैरह से भी फोन आए, परिवार से भी, उनको भी फिक्र थी आप लोगों की? जी जी थी। क्या कहा उन्होंने, परिवार से क्या बात? यही कहा कि रात में निकलने को मना कर रहा था और अब घर जाने के लिए। आप लोग जहाँ पर रहते हैं इस इलाके में भी कुछ हुआ था? हम हॉस्टल में रहते हैं, ओल्ड हॉस्टल में। तो ये जो छात्र हैं अब ये तमाम अपने घरों की ओर जा रहे हैं। जाहिर है तस्वीरें जब आती हैं हिंसा की और इस तरह की खबरें आती हैं तो माँ बाप को भी फिक्र होती है। फिलहाल जामिया के इलाके में शांति बनी हुई है, अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है जहां पर कानून व्यवस्था खराब हो रही हो या प्रशासन को कहीं तरह की चिंता करने की बात हो। लेकिन प्रदर्शन छात्रों ने चेतावनी दी है कि जारी रहेगा बशर्ते वो आंदोलन ना हो। फिलहाल जामिया इलाके से संजय खान के साथ मैं आशुतोष मिश्रा आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।